ये जो स्लाइड है कार्डिक पार्ट ऑफ स्टोमक का है इसका जो फीचर है सबसे पहले याद करेंगे जिसमें फोर लेयर होता है म्यूकोशा शम्यूकोशा मस्कुलरिश एंड सेरोसा ठीक है तो जो म्यूकोशा लेयर है उसमें होता है कार्डिक ग्लैंड या म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड जो म्यूकशा लेयर में ही होते हैं दूसरी बात है कि इसमें सैलो डिप्रेशन गैस्ट्रिक पीट होता है मतलब कम गड्ढा वाला गैस्ट्रिक पीठ होता है पीठ मैने गड्ढा होता है तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो सिंपल ट्यूबुलर होता है या कंपाउंड ट्यूबुलर होता है दो ही हो सकता है सिंपल ट्यूबुलर या कंपाउंड कौन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो और इसके पिथिलियम जो है कि नहीं पहले जो एसोफेगस से कार्डिक पार्ट तक स्टोमक में आएगा तो सबसे पहले स्टेटिफाइड एक्वामस रहता है स्क्वामस सेव रहता है फिर लेकिन एसोफेगस से जैसे ही नीचे आएगा तो वो क्लूमनर एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाता है अब जो कार्डिक ग्लैंड होता है उनके कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं ये कन्फाइंड होता है स्मॉल एरिया कार्डिक एरिया नियर द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस में ही होते हैं इन दिस रीजन इस रीजन में म्यूकोसा रिलेटिवली थीन होता है गैस्ट्रिक फीत सैलो होता है मतलब कम गड्ढा होता है एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड आइदर सिंपल टिब्यूलर या कंपाउंड ट्यूबुलर एल्व्यूलर होता है दे आर मेनली म्यूकस सेक्रेटिंग एंड ओकेजनली ऑक्जेंटिंग एंड पेप्टिक सेल्स प्रजेंट यहाँ पर ओकेजनली होते हैं सब म्यूकोसा लेयर जो इसमें होता है उसमें होता है लूज एल्व्यूलर टिश्यू ब्लड वेसल होते हैं लिम्फैटिक होते हैं नर्व फ्लेक्सेस होते हैं मतलब ब्लड सर्कुलेशन सबसा में होता है तो नर्व भी वहीं पे होगा और लिम्फैटिक भी वहीं पे होगा मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है मस्कुलरिस लेयर जो है इसमें तीन लेयर होते हैं इनर में ऑब्लिक होता है मिडिल में सर्कुलर होता है और आउटर में लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है उसके बाद आता है सिरोसा सिरोसा जो है ना ये पेरिटोनियम से बना होता है ड्राइव होता है पेरिटोनियम से ये कंटिन्यूस विद द पेराइटल पेरिटोनियम ऑफ द एबडोमन कैिटी और ये ग्रेटर ओमेंटम एंड विसरल पेरिटोनियम ऑफ लीवर भया लेसर ओमेंटम द्वारा ये सब अटैच होता है बट लेसर कर्वेचर बट लेसर कर्वेचर जो होता है स्टोमक का उस वो बेयर एरिया है स्टोमक में वहाँ सिरोसा नहीं होता है डिवाइड होता है तो बेयर एरिया इसी बोलते हैं लेसर कर्वेचर को क्योंकि वहाँ सरोसा नहीं होता है तो इतना ही याद कर लीजिए काफ़ी है इसके लिए थैंक यू जय हिंद और हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए हैं डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं परशुराम फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है मैं सोशल वर्कर एम बी बी एस स्टूडेंट हूँ थैंक यू